कृष्णा गार्डन के मैनेजर की हत्या अब पुलिस के लिए गले की फांस बनती जा रही है। इस हत्याकांड के खुलासे से ना तो आरोपी के परिजन, ना गार्डन संचालक और ना मीडिया और ना मृतक की पत्नी संतुष्ट है। कृष्णा गार्डन की मैनेजर सत्यनारायण राठौर की गोली मारकर हत्या करने वाली घटना अब पुलिस विभाग के गले की फांस बनती जा रही है। पुलिस अधिकारी अपनी ही जाँच में उलझते जा रहे हैं। पुलिस ने सुआकड़ी के जिन दो आरोपी भूरा मैना और तीरन सिंह मैना को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, उनके परिजन बलवंत सिंह, अर्जुन सिंह, मोहन सिंह, बुंदेल सिंह, भारत सिंह आदि ने आज एसपी विनीत कपूर और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को आवेदन सौंप कर दोनों आरोपियों को बेकसूर बताया और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों ने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। वहीं कृष्णा गार्डन संचालक राकेश वर्मा, राजेश वर्मा आदि ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में मुलाकात कर पूरी घटना से अवगत कराया और कहा कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने झूठा फंसाया है। उनके साथ भी एक माह से मारपीट की जा रही है, गार्डन बंद कराया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उसी समय एसपी विनीत कपूर से मोबाइल पर चर्चा कर जानकारी ली, साथ ही इस हत्याकांड की जांच एसआईटी को सौंपने के निर्देश दिए। आरोपियों के परिजनों ने आज एसपी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। उनके परिजनों का कहना था कि उन्हें न्याय दिया जाए, पुलिस पैसे लेकर झूठे मामले में फंसा रही है। परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। एसपी विनीत कपूर द्वारा नहीं मिलने पर भी परिजन खासे नाराज हुए और एसपी से मिलने की जिद पर अड़ गए। बरसते पानी में भीगते रहे। काफी देर नारेबाजी करने के बाद एसपी विनीत कपूर उनसे मिले और आश्वासन दिया। इसके बाद आरोपियों के परिजन कलेक्टर से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां भी एसडीएम और तहसीलदार ने उन्हें कलेक्टर से मिलने की बजाय आवेदन देने को कहा, जिससे परिजन भड़क गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यहां पर आधे घंटे इंतजार के बाद कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह आए और कहा कि सीएम ने एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं, जांच के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। जबकि परिजनों का कहना था कि जांच में अगर उनके परिजन निर्दोष साबित होंगे तो जेल में रहने की भरपाई कौन करेगा। परिजनों का कहना था कि अभी जेल से छोड़ा जाए, जांच के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाए, जांच में भी वे मदद करेंगे। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। वहीं पुलिस अधीक्षक विनीत कपूर ने बताया कि आरोपियों के परिजनों ने ज्ञापन दिया है, परिजन हत्या के अपराध में लिप्त नहीं है कि पुलिस ने झूठा अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने गहन जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही गिरफ्तार किया है। यदि आरोपी पक्ष के परिजन किसी बात पर कुशंका करते हैं तो मामले की जाँच कराई जाएगी। मीडिया के समक्ष खुलासा नहीं करने की बात पर एसपी विनीत कपूर ने कहा कि शोक दिवस के कारण मीडिया को नहीं बताया गया और समय पर कोर्ट में पेश करना था, समन्वय का अभाव बताया। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक गार्डन का खुलना सही नहीं रहता। यह तो रही हत्याकांड की घटना और पुलिस का खुलासा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस हत्याकांड के खुलासे से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं है। पुलिस ने जिनको हत्या का आरोपी बनाया है उनके परिजन और ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने झूठा फंसाया है। गार्डन संचालक राकेश वर्मा ने सीएम से शिकायत की है कि आरोपियों को झूठा फंसाया है और उसे भी फंसाने की साजिश है, तो वहीं मृतक के परिजन भी इस हत्याकांड के खुलासे से संतुष्ट नहीं हैं। अगर इस हत्याकांड के खुलासे से कोई संतुष्ट है तो वह है पुलिस के अधिकारी। शायद यह पहला हत्याकांड होगा जिसमें ना फरियादी, ना आरोपी, ना मीडिया, ना जनता और ना ही गार्डन संचालक संतुष्ट है। हालांकि अब एसआईटी की जांच के बाद सामने सच आने की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता। भाई साहब गोविंद मीना सर, कौन है आप? बड़ा भाई। क्या है? बड़े भाई है, नाम बताइए। अरविंद का बड़ा भाई। क्या मामला है? कहाँ है अभी इस वक्त? इस वक्त वो जेल में। क्यों है? उसके ऊपर मर्डर, पुलिस ने मर्डर केस कायम कर दिया। किसका मर्डर का केस लगाया? जो कृष्णा गार्डन पे जो मैनेजर का मर्डर हुआ था उस पे। क्या हुआ था पूरा वाक्य वो बताए। कौन सर? ये तो हमें पुलिस वो तो देख ही नहीं रही, जिन्हें तो अचानक उठा कर पुलिस उठा कर ले गई, मार मार कबूल करवा था और बस बैठ दी है जेल में। और जो गवाही है जो दो महीना से इन्हें दई थी नहीं, अभी आप ऐसे साहब दो बाद दो महीना बाद उन्हें गवाही देने लगे। पहले ही नहीं उठाया। किसने बनाया? झूठा मामला बनाया गया। पुलिस प्रशासन ने और जज में नेतागिरी भी है सर, मिली हो। कौन कौन मिला है इसमें? अब सर ये तो नहीं कह सकते, वो तो ऊपर के ही हैं वो लोग, तो अपनी पहुंच जो मेन आरोपी है उसको बचाया जा रहा है, झूठे को फंसाया जा रहा है। जी आज ये ज्ञापन दिया है कुछ जिन लोगों को कल पुलिस ने तीन चार दिन पहले गिरफ्तार किया है, उनके बारे में आज ज्ञापन दिया है कि हमारे परिजन इस अपराध में लिप्त नहीं थे और पुलिस ने झूठा उन्हें बंद किया है।
मुमताज पुलिस ने गहन जांच करने के बाद और साक्ष्यों के आधार पर ही इसे उन्हें गिरफ्तार किया है और निश्चित रूप से यदि साक्ष्य प्रमाणित करते हैं तभी पुलिस गिरफ्तार करती, नहीं तो गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं रहता। इस प्रकरण में भी गिरफ्तारी का आधार होने का कारण ही वो गिरफ्तार हुए हैं। यदि जो भी मुलजिम पक्ष के परिजन हैं उन्हें किसी चीज़ पर शंका है, कुशंका है, तो उसका और समाधान करने के लिए जिन तथ्यों पर उन्होंने विवेचना पर ध्यान देने की बात इंगित की है उस पर और हम ध्यान देंगे और अगर और कोई फैक्ट्स सामने आते हैं तो उसको भी हाईलाइट किया जाएगा। अभी और मैं पेश करके प्रेस नोट सबके पास भेजती हूँ। हाँ, संभवतः मुझे लगता है कि इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, वो उस दिन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो था शोक दिवस था, इसलिए एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई और दूसरा क्या है, मुलजिमों को पेश करने की समय अवधि भी थी तो वो उस कंस्ट्रेंट में उसी दिन पेश करना भी आवश्यकता था। अब क्योंकि वो पेश उसी दिन करना था और क्योंकि शोक दिवस भी था तो हम लोग ये अरेंज नहीं कर पाए और नेक्स्ट डे के में थोड़ा लेट हो जाता, न्यूज़ बासी हो जाती, कई बार पत्रकारों को लगता कि हमें लेट बताया, कार्रवाई पहले कर दी, पर मैं भी वेट करता रहा कि आप लोगों का किसी का फ़ोन आएगा, पर किसी का फ़ोन भी नहीं आया। मैंने तो जनरली उठा के हम लोग जो एक्सप्लेन करना हो तो वैसे ही कर देते, तो ये खाली इसमें और कोई कारण नहीं था, थोड़ा सा समन्वय का अभाव रहा और इसमें क्यों नहीं भाई, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद चार चार बार हमें एक्सप्लेनेशन देने पड़े, उससे बेहतर है हम एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेते, तो इसका कोई ऐसा नहीं था। खाली एक हमें ये असमंजस की स्थिति थी कि चूँकि शोक दिवस था तो उस समय हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये एक खाली हमारे लिए व्यवधान का कारण था और कुछ